हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट द एमसीजी एकेडमी कॉलेज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज आप लोगों का जो है एग्जाम डेट सिर्फ आ चुकी है। आप लोगों का कौन सा एग्जाम कौन सी डेट में है आप लोगों को पता होना चाहिए, कहां पर जो है दिया हुआ है और सब कुछ। आप लोगों ने जो है टाइम टेबल मैंने लिखवाया था आपके पास, वो तो थोड़ा दीजिए, मैं बच्चों को भी ऑनलाइन बता दूँ। वैसे तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है और मैं क्लासेस में आज आप सभी को एक आश्वासन देना चाहूंगा कि एग्जाम से पहले सब कुछ आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपको सिर्फ चैनल पर एग्जाम के एक दिन पहले आना जरूर। जब कभी भी मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को अपनी मैथ्स की किताब ऐसे हाथ में लेकर जरूर बैठना है, तभी आप लोगों को सब कुछ समझ आएगा किस प्रकार से क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना भी है। हर चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, हर चीज़ आप लोगों के लिए जो है अनइम्पोर्टेंट मीन्स अनुपयोगी भी हो सकती है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर नॉइज प्रॉब्लम होगा जो है। मैं अपनी कोचिंग सेंटर पर ही आप लोगों को जो है ऑफलाइन क्लासेस दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज आप लोगों का जो है 2.3 मुझे कंप्लीट करवाना था। इससे पहले की वीडियोज में आप लोगों का 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हो चुका था, अब आप लोग के लिए 2.3 का सेकंड क्वेश्चन की ओर मैं लेकर के आने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, एक्चुअल सेकंड क्वेश्चन में जो आप लोगों का दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दे करना है और ये प्राप्त करना है कि ये प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुणनखंड है कि नहीं, तो ये आपको क्या है पता होना चाहिए कि ये दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं। ओके, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। किस प्रकार से क्या क्या हमको करना है। द वेरी फर्स्ट, आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट वाला जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवा चुका था, इसमें आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन से मुझे स्टार्टअप देना है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस का दिया है 3, ये फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड आप लोगों का इसमें दिया है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस का 12 आप लोगों का दिया हुआ है। ओके, क्या हो गया? ये मैंने लास्ट जो है वीडियोस में आप लोगों को करवाए हुए थे, उससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आइए इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर क्या क्या आप लोगों को करना है। ओके, तो सबसे पहले इसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को डिवाइड देना सिखाया था, किस प्रकार से डिवाइड देते हैं। यहाँ पर एक ही कंडीशन है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी यदि अंक दिया हो उसका यदि गुणनखंड हो, जो गुणनखंड होता है उस अंक में पूर्ण रूप से डिविजिबल होता है, कोई उसमें जो है रिमाइंडर शेष नहीं बचता। जस्ट सेम इसमें भी यही होना है, यदि ये संख्या इसकी यदि गुणनखंड होगी तो इससे इसमें डिवाइड देने पर कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, कुछ भी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, टोटली टू बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस नंबर। ओके, तो इसको स्टार्टअप देते हैं किस प्रकार से इसको करना है। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था किस प्रकार से डिवाइड देना है और आज भी मैं आप लोगों को कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से, ये लीजिए दिया गया है 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t एंड माइनस 12। अब इसमें आप लोगों को डिवाइड देना है। सबसे पहला हमारा काम रहता है कि इसको फोकस करना है कि कैसे भी मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर लेकर के इस वाले में कैसे भी गुणा करके ये लाना है, क्योंकि इसी से तो डिवाइड देना है। आपको समझ में आना चाहिए, आज मैं इसीलिए लेकर के आया, कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब ये लेकर के आना है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, ये सबसे पहला नंबर तो ऐसा कैसा आना चाहिए, तभी डिविजिबिलिटी आगे बढ़ती है। तो 2 क्या है, tq माइनस 3 है और लाना क्या है पहले 2t की पावर 4। तो सबसे पहले एक टी चाहिए, ये स्क्वायर था, यदि दो टी चाहिए तो पहले टी स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा। ओके, मेनली, और आप लोग को क्या है 2t चाहिए तो 2t² का गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर 2t की पावर 4 प्राप्त होगी पहले नंबर पर। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2t की पावर 4 आ जाती है। मैंने आपको बताया था ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये जुड़ गई, 4 हो गया, माइनस 3 × 6 तो ये जगह 6t की पावर² हो जाएगा। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट बोर्ड से नहीं टूटना चाहिए, लास्ट बार बोल रहा हूँ आप दोनों से। ठीक, तो ये आप लोगों का किसका मल्टीप्लाई किया, 2t² किसका, 2t² का किया। इजीली धीरे धीरे समझना है आप लोगों को, पेपर से एक दिन पहले मोस्ट क्वेश्चन की वीडियो भी मैं ही उपलब्ध करवाऊंगा। ओके, तो ये क्या आया आपका 2t की पावर 4 माइनस 6t²
आप सोचिएगा यदि स्क्वायर वाला क्यू के नीचे बैठ के क्या करने वाला है, कुछ भी नहीं, तो इसको स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ ही बिठाना होगा, तभी तो इसका कोई क्रियाक्रम हो पाएगा ना। जैसे आप देखते हो यदि वैसे ही लोगों के साथ बैठोगे तब तो आप कुछ कर पाओगे। अब घटाना होता है भाग में, तो ये घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो चिन्ह बदल दिए, ये कट जाएगा, यहाँ आएगा आप लोग का 3t³, और ये आप लोग का देखो माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस की संख्या बड़ी है तो आप लोग का आएगा प्लस का 4t² आएगा। ओके, अब आप लोगों का फोकस किस चीज पर होना चाहिए, आप लोगों का फोकस होना चाहिए इस बात पर कि अब आप लोगों को 3t³ लेकर के आना है फर्स्ट डिजिट पर। तो t² माइनस के 3 में किसका गुणा करेंगे कि आप 3t³ ला सको, तो सबसे पहले आपको 3 चाहिए तो 3 का, और क्यू चाहिए तो एक टी और चाहिए, सीधी सीधी बात। अब आप 3t³ प्राप्त कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 90। ओके, इसको आगे भी आप नोट कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, 3t³ माइनस का 90 किसका मल्टीप्लाई करने पर, प्लस का 3t का मल्टीप्लाई करने पर। ओके, तो क्या ना आ रहा है 3t³ माइनस का 90 आ रहा है, ये आपका घटाना होगा, कट गया, ये भी आप लोगों का कट गया, ये आ गया आप लोगों का 4t² और माइनस का 12 आ गया। अब आप लोगों को फोकस इस बात पर देना है कि आप लोगों का 4t² आ सके फर्स्ट डिजिट पर, तो आप लोगों का 3t³ - 3 इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, t² था, तो इसमें ओनली 4 की आवश्यकता है सिर्फ आप लोगों को, क्या हो जाएगा 4t² माइनस का 12 हो जाएगा, तो प्लस के 4 से फिर आपने उसमें मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों को 4t² माइनस का 12 ही प्राप्त हुआ, घटा देंगे 0 आया। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचा है, वही मैंने आप सभी से बोला था कि यदि इसका एक गुणनखंड होगा तो कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा। एग्जाम्स में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, जो कि मैं आपको बता चुका था, ये हो गया। देन आप लोगों को अतः डाल के या लिखना जरूर होगा किस प्रकार से क्या क्या आंसर होगा, तो आप लोगों को लिखना होगा एग्जाम्स में, चूंकि यहां से फल शून्य है, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए, हेयर रिमाइंडर इज शून्य, देन यानी तब या अतः करके, हेंस जी वाली संख्या इसका गुणनखंड होगी, तो ये संख्या आप लोगों को डालते नहीं, जैसे कि ये है t² माइनस का 3 किसका 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस का 12 का गुणनखंड होगी। ये था आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को मैं हमेशा उसी प्रकार से करवाता हूँ जिस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, क्योंकि मेरे साथियों एग्जाम्स में जो सब चीजें लिखी जाती है जो कि आप लोगों को नंबर गेन करना है। तो ओके, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको यदि नोट्स तैयार करना है तो। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन जो आप लोगों का अगला रहेगा वो आपसे कहता है, और एग्जाम जो है तैयार है आप लोगों की, एग्जाम का टाइम भी मैं आपको बता देने वाला हूँ, टाइम टेबल आप लोगों का जो आ चुका है, किस दफे आप लोगों को तैयारी करनी है, किस दफे मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा, किस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पहुंचाना है, ये सब कुछ मेरा एग्जाम प्लान है। और आपको यदि मेनली बताने वाला हूँ कि मैथ्स का पेपर, तो आप लोगों का 12th March को आप लोगों का मैथ का पेपर है, एग्जाम डेट। दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए आज से ही आपका। ओके, इसी के साथ अगले क्वेश्चन को चलना चाहूंगा, फास्ट करवाना मेरा काम इसीलिए नहीं है, आप लोगों के लिए फास्ट की सुविधा उपलब्ध देता है यूट्यूब। कॉर्नर में आप 3 साइड क्लिक करोगे, उस पर आता है स्पीड, उसमें लिखा होगा नॉर्मल, यदि आप लोगों को फास्ट सुनना है तो उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, दोगुनी स्पीड में चल जाएगा, डेढ़ गुनी में चल जाएगा। ओके, मैं लेकिन धीरे धीरे इसीलिए समझाता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक, आप लोगों को यदि अपना टाइम कंज्यूम करना है तो आप लोग उसको डबल स्पीड में देख सकते हो, कोई बात नहीं है। ओके, देन आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है x² सीधा डिवाइड ही देता हूँ, क्वेश्चन नोट करने में टाइम जाया हमको नहीं करना है, सीधा सीधा हमको जो है दिया गया है x² प्लस 3x और प्लस 1, इसका हमको डिवाइड देना है किसमें, क्योंकि ये पता पाना है ये गुणनखंड है कि नहीं, तो ये पता पाने का एक ही तरीका है सीधा सीधा भाग, तो ये किसका है 3x⁴
प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस का 2x और प्लस का 2, ये आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पर भी सारे के सारे कंडीशन को ही फॉलो होनी है। द वेरी फर्स्ट हमको फोकस करना है किस प्रकार से 3x की पावर 4 आ सकता है। तो x² में द वेरी फर्स्ट हमको x³ चाहिए और इसमें एक x², तब जाकर के हमको, यदि x² गुणा करेंगे, ये मैं आपको करके ही बता देता हूँ, तब जाकर आपको 3x की पावर 4 प्राप्त होगा। तो मेनली आप लोगों को फर्स्ट पर फोकस करना होता है, बाकायदा जो भी आता है आप लोग देख रहे हो, ठीक। वहां पर आपको किसके दर्शन हो रहे हैं बेटा, आप यहाँ देखिए, आप लोग सोच रहे हो किससे, क्लासरूम भी चल रहा है, हमारे जितने भी स्टूडेंट मेरे पर पढ़ते हैं वो भी आप लोगों के सामने लाए हैं, ओके। तो आप लोगों को क्या, द वेरी फर्स्ट x² 3x² का मल्टीप्लाई करना है। 3x² का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3x⁴, एंड आप लोगों का इसमें करोगे तो 3 3 9 और 9x³ प्लस का 9x³, और ये होगा इसमें तो 3x² प्लस का 3x² माइनस माइनस प्लस माइनस ही आया, ये कट गया। ये भैया क्या कहते हैं आपसे कहेंगे माइनस का 4x³, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ओके, माइनस की संख्या ही बड़ी है। हाँ, थोड़ा सा पेपर देते समय इस बात का ध्यान रखना कि आप पावर लगा रहे हो तो पावर की तरह देखना चाहिए, नहीं तो वो संख्या जैसी दिखेगी। नंबर काटते देर नहीं लगती बेटा, एक जीरो ऐसा गोल मारना है, नंबर गायब हो जाते हैं, ठीक। यहाँ भी आप लोगों को सेम 10x² हो जाएगा, देन आप लोगों का 2x एंड माइनस का 2 प्लस का 2। मेनली अब यहाँ पर फोकस आप लोगों किस बात पर करना है, मेनली फोकस यहाँ पर करना है आप लोगों को माइनस का 4x³ आप लोगों को लाना है। कहाँ से लाओगे, x² में क्या गुणा करें कि माइनस का 4x³ आता है। तो वेरी फर्स्ट एक माइनस चाहिए, माइनस का 4 चाहिए और एक x चाहिए, तो माइनस का 4x का गुणा करेंगे सीधा सीधा। माइनस का 4x का गुणा यदि हम इसमें करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, माइनस का 4x का गुणा करेंगे तो माइनस का 4x³, कोई हलचल नहीं होना चाहिए, 4 3 12x, तो ये आप लोगों का आएगा x² में माइनस का 12x² और ये आएगा आप लोगों का माइनस का 4x, ये कट गया। देन आप लोगों का क्या 2x² और ये क्या कहता है आप लोगों से 6x और ये आप लोगों का 2। अब आपका फोकस रहेगा सर जी सिर्फ 2 का लाना है, तो प्लस के 2 का ही गुणा कर दीजिए, इतना तो दिमाग आप में होगा ही, यदि आप करोगे तो 2x² 3 2 6x एंड आप लोगों का 2 हो जाएगा। ये फाइनली आपको दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं बचने दे रहा है। देन आप लोगों को लिख देना है अच्छे से, अतः चूंकि यहाँ पर शेषफल 0 है, अतः ये वाला गुणनखंड इस वाले गुणन का पूर्णतः गुणनखंड होगा, ओके। ये संख्या इस संख्या की, यदि मैनली नंबर दिए रहते हैं तो आप लोगों को संख्या लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर गुणनखंड के रूप में दिया गया है तो आप लोगों को गुणनखंड ही लिखना होगा। आई होप, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप लोगों को फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन की ले जाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इसमें 3 क्वेश्चन थे। थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि दी गई संख्या क्या है आप लोगों का, x³ means x³ माइनस 3x और प्लस का 1, इससे हमको डिवाइड देना है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस का 1। बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा कठिन बात यह है कि आप लोग बहुत ही जल्द प्रेशराइज हो जाते हो, बहुत ही गलत बात है। आप लोगों को क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना है, समझना है, परखना है, जांच करना है कि हमने ये क्वेश्चन किया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है। एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम्स में घुमाना उनका काम है और घूमना ना घूमना आपका काम है, क्योंकि वो एग्जाम्स टाइम में क्या करते हैं, इनको डिसऑर्डर में लिख देते हैं। हमको क्या है, इनको ऑर्डर फॉर्म में लिखना होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग घाटों को घटती हुई क्रम में लिखना होता है ना, तो ये क्या है, घाटों को घटती हुई क्रम में नहीं लिखते हैं, ये क्या है, डिसऑर्डर रूप में लिख देते हैं, घाटों को जो क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखते हैं, जैसे कि x⁵ यहाँ रख दिया तो आप लोगों को गलत होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि घाटों को ऑर्डर्स में
रखना होगा, उसके बाद ही आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक, कोई परेशानी, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला टारगेट x की पावर 5 लाना है। अब सर जी, यदि x क्यूब में x स्क्वायर का गुणा हो जाएगा तो x की पावर 5 नहीं आएगी। बहुत से बच्चे के दिमाग चक्कर जाता है, यहाँ पर 3 और 2 का गुणा कर देते हैं, बच्चे सोचते हैं x की पावर 6 आएगा। बच्चों गलत है, आप लोगों ने पढ़ा होगा x की पावर m इंटू x टू दी पावर n, 8th क्लास में पढ़ा होगा, x टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर लगती है, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होती है। ये बेसिक मैथ्स है आप लोगों का। हाँ, तो आप लोग घातें समान मतलब x की ही गुणा करना है तो घातें जुड़ेंगी, तो x की पावर 5 आ जाएगा जब आप x स्क्वायर का ही मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहला गुणा किसका करना है, x स्क्वायर का। ओके, x स्क्वायर का यदि मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को पहला प्राप्त होने वाला है x की पावर 5, और ये होगा आप लोगों का माइनस 3x क्यूब एंड प्लस x स्क्वायर। ओके, ये हो गया, देन आप लोगों कट जाएगा ये माइनस का x क्यूब और ये आप लोगों कट गया। ओके, अब मेनली फाइनली फोकस आप लोगों को कहाँ करना है, फोकस आप लोगों को करना है कि माइनस का x क्यूब लाना है। भाइयों x क्यूब तो आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन माइनस का कैसे लाएंगे, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस के 1 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x क्यूब एंड माइनस का 3x एंड माइनस का 1, फाइनली यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको ये देकर जाने वाला है 6x प्लस का 2, या कहें x प्लस 1, हाँ लिख सकते हैं 3x प्लस 1। ओके, तो फाइनली आप लोगों को देख रहा होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर शेष बच रहा है, तो आप लोगों को आंसर में लिखना है। अतः यहाँ पर शेष पर बच रहा है here remainder we got, then या hence करके इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को जो है सेकंड क्वेश्चन कम्प्लीटली समझ में आया होगा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, इसका आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप लोगों को एग्जाम ऐप में एकदम प्रिपरेशन इस प्रकार से करना है, कोई भी परेशानी आप नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नॉइज पॉल्यूशन होगा, मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका था, मैं अपने सेंटर को पढ़ा रहा हूँ तो आसपास थोड़ा सा शोर होता है, और कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द आप लोगों की लाइव क्लासेस, लेकिन पेपर वाले समय आप लोगों को आना जरूर है। हर वर्ष का हमारा रिकॉर्ड रहा है कि रिजल्ट 100% जाता है। क्यों, बच्चे कम है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे ऑनलाइन जो बच्चे होते हैं उनका रिजल्ट भी 100% ही जाता है, तो आप लोगों को विश्वास करना होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, और आप लोगों से क्या कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट। अभी तो दूसरे का तीसरा था, फाइनली तीसरा थर्ड नंबर का क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने आ चुका है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के, अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्य ज्ञात किए हैं, फाइंड द जीरोस, हमको शून्य ज्ञात करना है, शून्य के एक्चुअल में होते क्या है। ओके, तो साथ ही साथ यदि आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो, आपका अच्छा सा रिवीजन भी हो जाएगा। मुंडी लाने से काम नहीं चलेगा बेटा, आप लोग जो है नोट भी कर लीजिए तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एक तरीके से कीजिए, आप ही लोगों से बोल रहा हूँ मैं। ठीक, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, आप लोगों से क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, अब आप लोगों को इसमें क्या है कि मेनली भाषा पर ध्यान देना, ये क्वेश्चन 100 में से 100% आने के चांस है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा सा घुमावदार है, तो आप लोगों को जो लैंग्वेज दी गई सब कुछ मैं लिखवाने वाला हूँ। चूंकि अंडर रूट ए जो 5/3 एवं जो बहुपद दिए गए हैं शून्य के हैं, तो हम देखो शून्य ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं, फाइनली हमको जो दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं x प्लस 3 और x माइनस 2 तो प्राप्त होते हैं, तो इनके गुणनखंड क्या होते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3। तो आप लोगों को यदि ये दिया है तो हम क्या इसको इस वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यदि आप लोगों को फाइनली ये दिए गए हैं कि शून्य ये दिया गया था रूट 5, कितना दिया गया है रूट 5/3, तो ये आसमान से लटका और खजूर पैटका वाला सिस्टम नहीं है, इसको क्या है अपन लौटा के इस वाले सिस्टम में भी तो फिट कर सकते हैं ना। तो एक्स यदि यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, तो यदि प्लस के साथ है तो एक्स माइनस में आ जाएगा, और यदि माइनस के साथ है तो एक्स प्लस में रूट 5/3 आ जाएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ किस प्रकार से आप लोगों को जो है इसको फिट करना है। ओके, पूरा ध्यान आप लोगों का बोर्ड पर होना चाहिए, क्या पेपर में लिखना है ये भी आप लोगों का ध्यान बोर्ड पर ही होना चाहिए। तो फाइनली पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, चूंकि जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आप लोगों को मोस्ट ऑफ होगी, तो आप लोगों को लिखना है, ध्यान रखना है, चूंकि
रूट फाइव अपॉन थ्री एवं माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री तो शून्यक है, चूंकि रूट फाइव अपॉन थ्री एवं माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री आर जीरो। आप भी लिखो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं, दिए जो आप लोग दिए गए बहुपद के गए बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं, शून्यक हैं। आप शून्यक के मैंने बताया शून्यक कैसे प्राप्त होते हैं, शून्यक यदि हैं तो फिर हम इसको इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शून्यक है तब देन किस प्रकार से लिख सकते हैं, x माइनस फाइव अपॉन थ्री और दूसरा माइनस के रूप में तो x प्लस रूट फाइव अपॉन थ्री लिख सकते हैं, नहीं ले सकते। अब इसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो फॉर्मूला आपसे कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम कंडीशन आप लोग को यहां देख रही होगी a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देन स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव पॉइंट थ्री दिए गए बहुपद का एक गुणांक होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणांक होगा, मल्टीपल होगा, गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू एज ए मल्टीपल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, तो आप लोगों को ये गुणांक यदि इसका होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बहुपद के लिए, जिसको सीधा सीधा बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि आप लोगों को ज्यादा झंझट नहीं पालना, इतना लिखना है काफी है, ठीक है, इतना लिखना है काफी है। मेनली फाइनली फोकस करना है कि आप लोगों का इसके नेक्स्ट जीरोस क्या होंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमको ये प्राप्त हुआ है और इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया है पॉलिनोमियल वो भी मैं लिख देता हूँ, पॉलिनोमियल इसमें दिया हुआ है थ्री एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस का फाइव। इसका आप लोगों को और भी जीरो फाइंड करने हैं, आप लोगों को अच्छा लंबा चौड़ा बढ़िया तगड़ा सा दिख रहा है ना, तो यदि ये इसके जीरोस ऑलरेडी हैं तो और भी जीरोस होंगे, अब यदि इसके जीरोस ये हैं तो इसको यदि देखो, मैं आपका एक पुत्र जो होता है, यदि पुत्र जो होता है पिता की बात मानेगा, नहीं माने ना माने, लेकिन डीएनए जो होता है सिस्टम, वो डीएनए सिस्टम बहुत अलग अलग होता है, लेकिन पिता और पुत्र का हमेशा मिलता है, इस बात को डीएनए की बहुत बड़ी खासियत होती है, डीएनए से ये चीज आपकी पहचान की जाती है, तो यहाँ पर भी एक डीएनए का ही काम कर रहा है। यदि ये इसका डीएनए है तो फिर इसमें यदि इसको रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आना चाहिए, मतलब ये इसका यदि गुणनखंड है तो इसमें पुट करने पर इसका मान, मतलब जो अपना रिमाइंडर होना चाहिए जीरो बचना चाहिए, इसी का है तो फिर कुछ छोड़ेगा क्यों, फिर तो पूरा ही लेगा ना, यदि तुम मेरे हो तो पूरा भी जताओगे है ना, और मेरे नहीं हो तो फिर किस बात की गम है ना, चैनल से जुड़ जाओगे तो मेरे हो, नहीं जुड़ोगे तो मेरे कहां से हो जाओगे ना, तो ये आप लोगों को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ये इसका यदि गुणनखंड है तो इससे इसमें जो डिवाइड देना होगा, आइए इसको पूरा करते हैं, इतना आप लोगों को नोट कर लेना, ये मैं आप लोगों को वो लैंग्वेज लिख पा रहा हूँ जो आप लोगों को बोर्ड में लिखना है, ठीक, फाइनली हमको इससे इसमें इससे इसमें डिवाइड देना होगा, ठीक, तो मैं इसको मिटाता हूँ, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, लेकिन आगे से हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस बोर्ड को निकालना है, एक नया बोर्ड हमको लेकर के आना है, क्योंकि ये रेशियो नहीं देता यूट्यूब पर 16:9 का, ओके, जो है स्क्रीन थोड़ी सी खाली खाली लगती है सर, तो हमें क्या करना था, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री का डिवाइड देना था, किसमें डिवाइड देना था, आप लोगों का थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस का फाइव, ओके, यहां तक कोई परेशानी, अब यदि इससे इसमें डिवाइड देंगे, किस प्रकार से डिवाइड देंगे आप लोगों को, अब इस बात पर ध्यान देना है, देखो आप लोगों को मेन फोकस किस बात पर रहना चाहिए कि हमारा 3x की पावर 4 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3x की पावर 4 आना चाहिए, यहां पर भैया स्क्वायर बाबा बैठे हैं, अब स्क्वायर बाबा में इतना गुणा करना है कि x की पावर 4 लाना है, तो स्क्वायर जो आप लोगों का दिया है, व्हेन वेरी फर्स्ट हमको 3 चाहिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, एक 4 चाहिए पावर में तो एक एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो आप लोगों को दिख रहा होगा 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया है, जा रहा है दिमाग में, जा रहा है ना,
तो 3x² का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x² का, कर रहे हैं। तो ये भी देख लेते हैं मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, सब कुछ बेचारे क्या बताएं, दिमाग से अपंग हो जाते हैं, टेंथ में तो आ जाते हैं। अभी अभी एक नया नियम लागू हुआ है, फिर तो ये भी बोर्ड हो जाएगा, तब आप विद्वान हो जाओगे, तभी आप टेंथ में आ पाओगे ना। तो आप लोगों का 5/3 जो हो गया, अब इसमें किसका गुणा किया है 3x² का। भाइयों इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 3x^4 एंड माइनस 5/3 इंटू करना है 3x², 3 से 3 कट जाएगा तो आपका आएगा 3x^4 माइनस 5x². एक बात ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, ये सब कुछ आप लोगों को पेपर में नहीं करना है, आपका दिमाग काम नहीं करता, तो लास्ट वाले पेज पर डालिए रफ कार, उस पर सॉल्व कीजिए। पेपर के ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं कि यदि आपने बीच कॉपी में कहीं पर भी फोल्ड कर दिया आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपने ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा तीसरी कोई कलर की पेन यूज करते हो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, रेड पेन धोखे से भी यूज कर ली तो कॉपी चेक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, सुन लिया। तो ये रूल्स ध्यान रखना। आप लोगों ने यदि किसी सब्जेक्ट के पेपर में यदि आप लोगों ने यहां से लिख के पेपर छोड़ दिया और पीटीए यदि आपने नहीं लिखा तो नंबर कटने के लगभग 90% चांस है, क्योंकि आप लोगों ने उसे बोला नहीं है कि आगे मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, तो हो सकता है वहां पर फाइनली चेक कर दिए, बाय मिस्टेकनली होता है, वो अपने आप से नहीं करते, लेकिन ये आप लोगों को सावधानी बरतनी है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 3x^4 मींस 3x^4 और -5x², क्योंकि स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे ही बैठेगा और कहीं बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यदि वो ध्यान से सुन लीजिए, घबराना नहीं है, यदि स्क्वायर इसमें पूरे में नहीं होता है तो इसको कहीं भी रख लीजिए, उसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी आप गुणा करोगे तो सबसे बड़ी संख्या पहले लगोगे, मतलब अभी भी x³ पहले ही आएगा अभी घटाने के बाद। देख लीजिए अब यहाँ पे x³ भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि घातों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं तभी कोई काम बनता है। ओके, ये हो जाएगा 3x². ओके, यहाँ तक कोई परेशान, और ये आप लोगों का और लिख सकते हो 10x, ये 3x² प्लस का ही आएगा। ओके, कोई बात नहीं, अब आप लोगों को फाइनली फोकस करना है 6x³। तो x² दिया है, इसमें सबसे पहले एक 6 का गुणा करना पड़ेगा और एक x का, 6x का सीधा सीधा गुणा करना है वही प्लस के साथ, तो 6x प्लस के 6x का मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आएगा 6x³। और देखो बता देता हूं मैं, माइनस का 5/3 में भी यदि 6x आप मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, माइनस का 10x आप लोगों का आएगा, तो आ गया आपको माइनस का 10x, ये आपका हो जाएगा 3x² और आपको फाइनली लास्ट बचने वाला है 5। अब आप लोगों को ओनली 3 का मल्टीप्लाई करना है प्लस के 3 का, प्लस के 3 का यदि मल्टीप्लाई करते हो तो 3x² माइनस का 5 भी आएगा। देखो माइनस के 5/3 में यदि 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, माइनस का 5 भी आएगा, माइनस एंड प्लस काट दीजिए 0। मैंने पहले ही बोल दिया था यदि ये इसका पुत्र है तो कुछ ये कैसे पाएगा, पापा तो पापा होते हैं ना, तो ये पिताजी थे, तो इसमें डिवाइड दे दिया तो कुछ बचने का कोई चांस ही नहीं बनता है नहीं, तो इसमें कोई समझ में कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहां तक आप लोगों का सवाल सॉल्व नहीं हुआ, यहां पर आपको सिर्फ एक मल्टीपल प्राप्त हुआ है, अब आप लोगों को जीरो फाइंड करना है, यहां से किस प्रकार से जीरो फाइंड करने हैं वो आप लोगों को लास्ट में प्राप्त हुआ है 3x² प्लस 6x प्लस 3, इसके आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीपल करने हैं, कैसे गुणनखंड इसके कैसे करने हैं, ये गुणनखंड करना मैंने शायद फर्स्ट क्लास में बताया था, एक बार और आप लोगों को बता देना चाहूंगा, हमको इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले गुणा करना, ध्यान पूर्वक समझना है, हमको इन दोनों संख्याओं का पहले गुणा करना होता है, ये आएगा 9, आया पेपर में नहीं समझने वाली बात बता रहा हूं, यदि आप डायरेक्टली कर सकते हो तो और भी अच्छा है ना। अब 9 को इस प्रकार से हमको तोड़ना है कि जोड़ने पर, मतलब ये वाला चिन्ह देखना है, जोड़ने पर प्लस का 6 आना चाहिए, मतलब यहां पर जो चिन्ह होगा वही करना होगा, जैसे घटाने माइनस होता तो घटाने पर प्लस का 6 प्राप्त हो, इस प्रकार से सब कुछ हमको मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर जो है क्या, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 6x और गुणा करने पर 9 आना चाहिए, ये क्या होगा भैया, आपको फाइनली दिख रहा होगा 3x + 3x + 3, 3x कॉमन निकाल लीजिए, x + 1 बचेगा, यहाँ पर आप 3 कॉमन निकाल लीजिए, x + 1 बचेगा। यदि ये दोनों आपके एक जैसे नहीं है समझ लीजिए सवाल में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये भी हमको कॉमन निकालने पड़ते हैं, ये आएगा आप लोगों का 3x + 3। Okay? तो आप लोगों को और शून्य देखने हैं तो आपको जीरोस और फाइंड करने हैं, जीरोस या शून्य क्या होंगे, x + 1 = 0 तो x² आपका आएगा -1, और दूसरा शून्य होगा 3x + 3 = 0
तो 3x इक्वल्स टू आप लोगों का आएगा 0 सॉरी माइनस का 3 एंड x इक्वल्स टू आपका आएगा माइनस का 3/3 या आप लोगों का कट जाएगा तो ये माइनस का 1 तो दो जीरो जो आप लोगों के आ चुके हैं माइनस का 1 एंड माइनस का 1 काफी खतरनाक सिस्टम है थोड़ा सा देख लीजिए मैं भी देख लेता हूं क्या ये सही है या नहीं है बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों आपके जो दो अन्य शून्यक हैं पेपर में लिखना जरूर पड़ेगा अतः है ये अतः है बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल स्ट्रांग जोन का काम करती है आप लोगों को एकदम सेफ जोन में पहुंचा देती है अतः है इसके दो अन्य शून्यक शून्यक क्या क्या है जीरोस आर -1 एंड -1 ओके आशा करता हूं कोई परेशानी नहीं होगी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही घबराहट पहले होने लगती होगी ये आप लोगों का था थर्ड क्वेश्चन अब आप लोगों को लेकर के चलने वाला हूं फोर्थ क्वेश्चन की ओर बता दूं आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है यदि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर शेषफल क्रमशः है एक्स प्लस 2 एंड 2 माइनस 2x प्लस 4 है तो जी एक्स का मान ज्ञात करना है एक छोटी सी बात मैं आपको सिखाऊंगा जैसे शायद आपका दिमाग खुल जाए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल एक आप लोगों ने को पढ़ा होगा शायद जब आप छोटे होंगे हालांकि अभी बड़े नहीं हुए हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन समझाता हूं उसके बाद ही आप लोगों को जो है क्वेश्चन करवाता हूं क्योंकि आप लोगों ने यदि एक बार समझ लिया ना तो आप लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली ठीक अब ये यहां कहां होते हैं भाज्य कौन सा होता है भाजक कौन सा होता है सब कुछ तो भाज्य भाजक भागफल और यहां आता है आपका शेषफल डिवाइड डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर ओके तो आप लोगों को आप यहां क्या क्या दिया गया यदि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर तो इससे भाग दिया जा रहा है किसमें दिया जा रहा है ध्यान रखना इससे अपन को भाग दिया जा रहा है किसमें दिया जा रहा है यहां पर दिया जा रहा है मतलब एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस का 2 मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं करना कैसे है एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा ओके शेषफल कौन सा क्या क्या बचते हैं शेषफल बच रहा है आप लोगों का एक्स माइनस 2 भागफल और शेषफल सॉरी शेषफल आपका बचता है 2x माइनस का 2x प्लस का 4 और भागफल आप लोगों का होता है x माइनस का 2 अब आप लोगों को सीधा सीधा सबको समझ में आ रहा है क्या हमको ये ज्ञात करना है हमको ये दिया हुआ है अब क्वेश्चन को सही फॉर्मेशन में लेकर के आता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन का सही फॉर्मेशन देख लीजिए आप क्वेश्चन का सही फॉर्मेशन आ गया अब लग रहा है क्वेश्चन आ गया इससे क्या है आपको समझ में आया कि एक्चुअल में हुआ क्या है ओके तो यहां पर जी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें को व्यंजक को जो है जी एक्स एक्स माइनस 2 से डिवाइड करना होगा कोई दिक्कत नहीं है तो हमें इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो भाज्य बराबर ये दिया था भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल तो ये जो दिया गया है किसके बराबर होगा यहां पर मैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना यहां से शुरू होगा ओके एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस का एक्स और प्लस का 2 जो है किसके बराबर है भाजक यानी जी एक्स गुणा भागफल भागफल यानी एक्स माइनस का 2 प्लस शेषफल शेषफल यानी जे माइनस का 2x प्लस का 4 ओके अब आप लोगों को इससे क्या है इक्वेशन तैयार करनी है जिससे कि आप लोग कर सको सही से अब आप लोगों को क्या करना है इसको भी सॉल्व करना है किस प्रकार से क्या क्या होगा देखो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि ये प्लस में है जब बराबर की इधर आती है तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो एक्स क्यू माइनस 3x²
प्लस का एक्स एंड प्लस का टू, ये इधर आएगा तो माइनस का जो है ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस का टू एक्स एंड माइनस का फोर, और ये इधर आपका ऐसा ही रहेगा जी एक्स स्क्वायर टू जी एक्स इंटू एक्स टू। इसका यदि आप खेल काम तमाम करोगे तो ये बचेगा एक्स क्यू थ्री एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आप लोगों का प्लस का थ्री एक्स, और ये रहेगा माइनस का टू हो जाएगा, और ये जो है ये बटे में आ जाएगा एक्स माइनस का टू। ऐसे आपको पेपर में करना है, वो सिस्टम बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों का पेपर वाला सिस्टम शुरू हो गया था। शुरुआत ही मैंने क्या है कि आप लोगों को मॉडल तैयार किया था किस प्रकार से आप लोगों को इससे समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा यदि आपने उसकी एक बार जड़ पकड़ ली, चोटी पकड़ने में टाइम नहीं लगता, ठीक, तो पहले जड़ जरूर पकड़ो। हमेशा हम लोग फल खाने की कोशिश करते हैं, कभी आप लोगों ने पेड़ लगाने की कोशिश की? कभी नहीं। लगभग 90% लोग फल खाने की इच्छा रखते हैं, पेड़ लगाने की कोई इच्छा नहीं रखता, ठीक। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, हमको अब क्लियरली दिख रहा है कि इससे इसमें डिवाइड दीजिए जी एक्स का माना जाएगा, तो अब दिख भी रहा है तो हम कर ही लेते हैं, कर लेते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे इसको आप नोट कर लीजिए, मैं ऊपर डिवाइड देके दिखाई देता हूँ किस प्रकार से करना होगा। एक्स माइनस के टू से हमको डिवाइड देना था, किस में देना था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स एंड माइनस का फोर, एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स, एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स एंड माइनस का टू, माइनस का टू। इससे इसमें डिवाइड दीजिए, डिवाइड देना में दस बार आपको सिखला दिया। इस मेनली फोकस फर्स्ट नंबर का एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमको करना है, एक्स क्यू हमको प्राप्त होगा एंड माइनस का टू एक्स स्क्वायर। ओके, देन आप लोगों को माइनस का एक्स का मल्टीप्लाई करना है, ये आपका बचेगा x माइनस का 2, और आप लोगों को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करना है। फाइनली आप लोगों को दिख रहा होगा जी एक्स का जो मान है वो ये आप लोगों का आ चुका है, तो आप लोगों को लिखना है जी एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1। ये एग्जाम टाइप था, किस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में करना है, क्योंकि एग्जाम में नंबर लेना बेटा इतना आसान नहीं होता है, वो आपके गुरु होते हैं और गुरु से कुछ भी छीनना इतना आसान नहीं होता है। ओके, तो आप लोगों को सॉल्व इस प्रकार से करना है कि उन पर इम्प्रेशन जाना चाहिए, वो कहीं नंबर काटने के इच्छुक ना हो जाए, यदि इच्छुक हो गए तो नंबर काटने में देर नहीं लगती, हाल नंबर काट देंगे। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो आप लोगों को अतः डाल के प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना है, जहां तक आप लिख सकते हो अतः जी एक्स बराबर है, ठीक है, ये आप लोगों का आंसर होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि कुछ नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो। हमको चीजें समझ में यदि आ जाती हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है कुछ भी काम करना, तो चीजों को समझिए उसके बाद कुछ कीजिए। जीवन में भी यदि कुछ करना है तो पहले चीजों को समझिए फिर कुछ कीजिए, हर जगह ये रूल आप लोगों का लागू होता है। ओके, लाइफ टाइम सिस्टमेटिक वे में, साथ ही साथ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में एंड एनीवेयर आपकी शादी में भी काम आने वाला है। ओके, इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट वाला क्या कहता है, हाँ हमारे साथ वाले बहुत से ऐसे ही हैं जिनकी टेंथ क्लास के बाद सीधी शादी हो जाती है, तय है, और बहुत से तो अभी एकदम तैयार बैठे होंगे, हाँ बिल्कुल देव उठने दो। हमारे क्लास में भी एक स्टूडेंट जो कहते हैं कि बस चार वैसियां लेना है, ठीक, ये सब कुछ क्या है कि हमारा एक हमारे चारों देखने वाला समाज है और कुछ भी नहीं है। पढ़ाई बोरिंग नहीं है, उसको बोरिंग कर दिया गया है, पढ़ने में जो मजा आता है शायद किसी काम में नहीं आता, संसार में किसी काम में नहीं आता जितना मजा पढ़ाई में आता है। इसीलिए जो है लास्ट क्वेश्चन क्यों चलता हूँ, ये आप लोगों का फोर्थ वाला क्वेश्चन था, सॉरी, अब हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन क्यों चलने वाले हैं। ओके, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, बहुपदों पी एक्स जी एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा पी एक्स बराबर घात हो क्यू एक्स। ये पागलपंथी है बिल्कुल ही, इस क्वेश्चन को मैं कराने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, सॉरी से आपकी जो जो ये क्वेश्चन जो दिए गए घात पी एक्स बराबर क्यू एक्स, बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा घातें कितनी भी हो सकती है, इसके आंसर डेफिनेट नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन ओटी में आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको हैंडल करना है। ओके,
मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और हाँ, वीडियो को जरूर शेयर करना आप लोगों के लिए, यदि मैं इतना कर रहा हूँ थोड़ा सा आप जरूर करना अपनी एक दिन के लिए स्टेटस। सब लोगों ने सब कुछ के लिए लगाया होगा, एक दिन का स्टेटस मेरे लिए भी लगा देना, और कुछ मैं आप लोगों से डिमांड नहीं रखता हूँ। ओके, घात आप लोगों को क्या पीएस बराबर होना चाहिए क्यूएक्स की। अब घात यदि पीएस बराबर क्यूएक्स रखना है तो कुछ भी हो सकती है, जहां ऐसे उदाहरण दीजिए विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम में फाइनली आता है आर एक्स आप लोगों का जीरो आना चाहिए। तो आप लोग देखो पी एक्स मैंने मान लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइव एक्स स्क्वायर फाइव एक्स और प्लस का फाइव, ठीक, क्यू एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का फाइव। यहां पर यदि हम इसमें डिवाइड देना चाहेंगे तो हमको क्वेशेंट जो मीन्स कहेंगे भागफल जो प्राप्त होगा वो पांच प्राप्त होगा, और रिमाइंडर की यदि हम बात करेंगे तो रिमाइंडर हमको जीरो प्राप्त होगा। यही तो विभाजन एल्गोरिथम कहती है, विभाजन एल्गोरिथम आपसे कहती है कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए यदि आपको फॉलो करते हैं। यदि आप मुझे फॉलो करते हो तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तभी आप मुझे फॉलो करोगे ना, एक एक डाउट यदि क्लियर होगा तभी तो आप मुझे मानोगे कि हाँ सर ने सब कुछ सही कराया है। ओके, तो आप लोगों को बिल्कुल भी इसको बिल्कुल इजीली निकाल के ले जाना है यदि आप लोगों को ओटी में पूछा जाता है। तो ऐसी मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो है आज का क्लास बहुत ही मजेदार लगा होगा, और इसी के साथ मैं प्रमोद सिंह अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ इसको शेयर जरूर करना। बाय बाय।